तो दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में लगातार लोगों का सवाल आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर आप लोगों को वॉर्न भी किया था शेयर के बारे में, लेकिन लगातार गिरावट आ रही है और लोगों के कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे हैं कि क्यों इसमें इन्वेस्ट ना किया जाए। एक सबसे पहली बात जो लोग इस वक्त बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि बुक वैल्यू इसकी 500 रुपये के आसपास है, शेयर 350 रुपये के आसपास है, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज जो लोग काफी ज्यादा बोल रहे हैं कि 1000 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई रहा है, अभी शेयर 350 रुपये के आसपास आ चुका है, एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है, 60-70% गिरा हुआ है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो राजेश एक्सपोर्ट्स है उसके शेयर में हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पहले ये जो दो मिथ हैं लोगों के उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, फिर हम बात करेंगे कि अभी आपको अब लगातार गिरावट आ रही है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लोगों का जो ये कहना है कि बुक वैल्यू 516 के आसपास है और करंट प्राइस 352 रुपीज के आसपास है, तो क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए, ये एक वैल्यू बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। अब बुक वैल्यू क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो बुक वैल्यू का मतलब ये हो जाता है सीधी भाषा में कि अगर आज भी कंपनी बंद हो जाती है तो सारे डेटर्स को पे करने के बाद, सब लोगों को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा, जो हर इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा जाएगा, वो 516 रुपये है। यानी कि अगर आपके पास 10 रुपये के शेयर आज आप खरीद लेते हैं 350 रुपये पे और कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको 350 रुपये की जगह 516 रुपये मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज पे लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आपको ये चीज समझनी है कि सिर्फ एक ये चीज देखकर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते। अब मैं आपको कुछ कंपनीज का एग्जाम्पल यहां पर दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे पीसी ज्वेलर्स का आप एग्जाम्पल यहां पर देखिए, 29 रुपीज के आसपास शेयर है, बुक वैल्यू इसकी 70 रुपए के आसपास है। अब लोग यहां पर, अगर मैं आपको 10 साल की पीसी ज्वेलर्स की ये चार्ट दिखाऊंगा, 600 रुपए के आसपास शेयर गया था, लगातार गिरावट आई और 29 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और ये ऑल टाइम हाई इसने कब बनाया था, 2018 में। तो 5, 5.5 साल हो चुके हैं, लगभग 6 साल हो चुके हैं, उसके बाद से लगातार गिरावट शेयर में आई है और अब नीचे के लेवल पे शेयर लगातार ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू अभी भी उसकी ज्यादा है शेयर प्राइस में। तो ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई ओनली पैरामीटर नहीं है किसी भी शेयर को जज करने का कि मैं सिर्फ उसकी बुक वैल्यू ज्यादा है तो मैं उस शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूं। दूसरी चीज कि 1000 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है और 350 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, यही गलती करके सारे इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े शेयर्स में जब फंसे हैं तो इसी गलती की वजह से फंसे हैं। येस बैंक के शेयर पे हम बात करें, अब इसके अलावा रीसेंट एग्जांपल देख लेते हैं, टाटा टेली के शेयर्स आप देखिए, 263 रुपीज के आसपास गया था, आज 87 रुपीज के आसपास है, 2 साल हो चुके हैं। इसके अलावा ब्राइटकॉम का शेयर अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए लगभग 117 रुपए के आसपास गया था 2021 में, 2 साल हो चुके हैं, 16 रुपए के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी ये कोई गारंटी नहीं लिखी हुई कि शेयर ने जो अपना एक बार ही ऑल टाइम हाई बना लिया है वो उसके पास तक तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा कोई भी रूल शेयर मार्केट में नहीं डिफाइंड है। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जहां पर लोग शेयर गिरता रहा, लोग इन्वेस्ट करते रहे, शेयर गिरता रहा, लोग इन्वेस्ट करते रहे, और अल्टीमेटली उनका बहुत ज्यादा कैपिटल ऐसे शेयर्स में चला गया, जैसे कि येस बैंक में आप देखिए 600 500 400 रुपए के आसपास चला गया था, आज 17-18 रुपए पे घूम रहा है। वोडाफोन आइडिया को आप देखेंगे, बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें यही चीज होती है, यही गलती इन्वेस्टर्स करते हैं कि शेयर लगातार नीचे जा रहा है, इतने परसेंट डिस्काउंट पे मिल रहा है, इन्वेस्ट कर देते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी ये कहीं पर भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि शेयर ने अगर एक बार ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया है तो वो उस ऑल टाइम हाई को क्रॉस जरूर करेगा या उसके पास आएगा। सालों बीत जाते हैं, शेयर एक बार ही ऑल टाइम हाई बनाकर फिर उसके पास वापस नहीं आता, अगर शेयर में फंडामेंटली कोई यहाँ पर दिक्कत है। तो यहां पर अगर हम राजेश एक्सपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं तो यहां पर इतनी गिरावट क्यों आ रही है, क्या ऐसी फंडामेंटल गलती हो रही है शेयर में? तो देखिए ओवरऑल आप इस शेयर को देखिए, प्रॉफिट को की ग्रोथ को देखिए, तो 5 साल में सिर्फ 3% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, 10 साल में 12% की ग्रोथ है। शेयर ने रिजल्ट कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर शेयर ये रहा है। 5 साल में आप देखेंगे तो -9% की सीएजीआर से डी ग्रोथ हुई है। और अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन इसके क्या हैं, 0 पॉइंट समथिंग% है, ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ है ही नहीं इस शेयर के, लगभग ना के बराबर शेयर के ऑपरेटिंग मार्जिन है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जो रिसेंटली हुआ है कि सेकेंड क्वार्टर के जब इसके नंबर्स आए हैं उसके बाद क्यों गिरावट आई है। देखिए, खराब रिजल्ट्स तो बहुत कंपनीज के आते हैं, लेकिन कंपनी ने दो इंपॉर्टेंट फाइलिंग्स अपनी मिस कर दी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिस कर दी जो बोर्ड को, जो इन्होंने फाइल नहीं की, और दूसरा जो ऑडिटर रिपोर्ट भी इन्होंने फाइल की है उसकी फॉर्मेट वगैरह में भी कोई दिक्कत है। तो 2 हफ्ते का टाइम यहाँ पर एनएससी बीएससी ने दिया है इस शेयर को, जिसमें इसको ये अपनी फाइलिंग करनी है। और इसके साथ साथ जो मैं बार बार राजेश एक्सपोर्ट पे जब बात करता हूँ, जो सबसे बड़ा नेगेटिव होता है कि देखिए, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जब भी किसी शेयर में, तो हमें पता तो होना चाहिए कि वो शेयर क्या कर रहा है, आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ आएगी। गिरावट आई है अगर उसके प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज में, तो क्यों गिरावट आई है। लेकिन यहां पर इस कंपनी की मैनेजमेंट कुछ भी ऐसी चीज डिस्प्ले नहीं करती है। अभी शेयर में गिरावट आ रही है, कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं है। इतनी जबरदस्त गिरावट इसकी शेयर जो इसकी रेवेन्यूज में आई है वो क्यों आई है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये सबसे बड़ा लूपहोल मुझे यहाँ पर नजर आता है इस शेयर के बारे में। तो ये चीजों को आपको हमेशा याद रखना है जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप कंपनी के साथ साथ मैनेजमेंट के ऊपर भी भरोसा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट जब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही है तो ऐसी कंपनी से आपको बचना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि क्या ये शेयर इस यहाँ से डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनी यहाँ पर क्या रखनी है। अब यहां पर अगर आप इस शेयर को देखेंगे, 5 साल 10 साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न्स दिया, और शेयर ने अपना जो की सपोर्ट था 5 7 10 सालों का 450 रुपए का, उसको इस वक्त यहां पर तोड़ दिया है। तो काफी खराब रिटर्न्स यहां पर इस शेयर में आ रही है। अब इस वक्त अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक गैम्बलिंग की तरह ही आपको सोचकर इन्वेस्ट करना है। कोई लॉजिकली सिर्फ ये देखकर कि शेयर में गिरावट आ गई है तो इन्वेस्ट करना, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। एटलीस्ट आपको यहां पर इसके जो सपोर्ट लेवल हैं 450 रुपए के आसपास, वहां तक तो आपको वेट करना होगा। अब ये 2 हफ्ते में डिसाइड होगा कि कंपनी का क्या होगा। 2 हफ्ते में ये जो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट देते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट देते हैं, पहले तो ये क्या दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, और देते भी हैं तो कितनी सही रिपोर्ट्स वो आ रही हैं, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और मैं यही चीज़ आपको बोलूंगा कि ऐसे शेयर में अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में वहां पर पैसा लगाइए, जहां मैनेजमेंट क्लैरिटी के साथ आपको चीजें बता रही है, जहां पे चीजें आपको पता चल रही है क्लैरिटी के साथ, कंपनी की एक्सपेंशन प्लान क्या है, ग्रोथ प्लान क्या है, उसको आपके साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसी कंपनीज में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करिए। ऐसे शेयर्स में पैसा लगाना सिर्फ एक गैम्बलिंग की तरह है, यहां से डबल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई यहां पर कुछ भी बता नहीं सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही क्लैरिटी नहीं दे रही है। तो इन सब चीजों का दोस्तों ख्याल रखिए, और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को क्लियर रख के किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करिए। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।